हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे? मस्त होंगे? आज तो मैं भी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, तबीयत ठीक है। और दोस्तों लोगों, जैसे कि आज हमारे हमारे ही बगल में पड़ शिशु मंदिर स्कूल है, और हम वहाँ आज बच्चों का कार्यक्रम है। वहाँ एक नया कमरा बना है, उसका उद्घाटन है, और उद्घाटन में हमें भी बुला रखे हैं, और हमारे विधायक दीना जी भी आ रहे हैं, और मैं उस उद्घाटन में जा रही हूँ बच्चों के उत्साह बढ़ाने। हमें भी बुला रखा है, और फिर कमरे का उद्घाटन भी है, और उसी उद्घाटन में हम भी पहुँच रहे हैं। और दोस्त लोगों जुड़े रहना, और मैं आज आपको अपने अपने स्कूल के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को दिखाऊंगी। वो कार्य होगा तो कार्य दिखाऊंगी, अंदर वैसे होगा तो वैसे दिखाऊंगी। और मैं जा रही हूँ स्कूल में, और स्कूल हमारे ही पड़ोस में है, वो हमारा घर है, यहाँ स्कूल है, नज़दीक ही है, कोई दूर नहीं है। शिशु मंदिर कला महान सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का नाम। हमारे भी श्रीमान भुवन चंद द्विवेदी जी, जो विद्यालय के छोटे से बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करते हैं, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप श्रीमान भुवन चंद द्विवेदी जी स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 जो हमेशा हमेशा के लिए जो है यादगार अपनी एक छवि यहाँ पर छोड़ रहे हैं। नमस्कार। छवि को यहाँ पे आगे हमेशा और उज्ज्वल करने के लिए Gracias.
मंच संचालन के लिए अनुरोध करूंगा अगर जी को यहाँ पे जो है आपके मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे आदरणीय नेताओं जी। इन्होंने सम्मानीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र संत महोदय विद्यालय अपने 27 वर्ष के सफर को पूर्ण कर चुका है और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है। इस वर्ष में आशीर्वाद कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। महोदय आपको मुख्य अतिथि के रूप में देखकर विद्यालय परिवार प्रबंध समिति व अभिभावक संघ बड़ी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करूंगा लक्षिता बरतोला गुरु मेरी पूजा यहाँ पर एक गाना प्रस्तुत करेंगी लक्षिता बरतोला। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हमारे शिशु मंदिर में एक कमरे का जो उद्घाटन था मेरे द्वारा 5 लाख रुपए विधायक निधि से दिए गए थे। मन तो करता है कि सभी शिशु मंदिरों को बहुत सा पैसा दूं, लेकिन आप सभी को पता है 5 करोड़ रुपया साल में कुल मुझे मिलता है, उसमें लगातार सड़कें भी करनी है और गांव में काम भी करना है, स्कूलों में फर्नीचर भी देना है, तो तब लगता है कि पैसा 5 करोड़ बहुत कम है, क्योंकि क्षेत्र हमारा मोहान से लेकर उधर भैरंगखाल हमारे महंत जी के साथ लगता है, उधर सतपाल महाराज जी और उधर हमारे धन सिंह जी के साथ, उधर नोटियाल जी, फिर हमारे मदन बिष्ट, फिर प्रमोद नैनवाल जी, फिर सरिता आर्या और उधर दीवान सिंह, इतना बड़ा सल्ट विधानसभा है। तो 5 करोड़ कम पड़ता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ एक एक शिशु मंदिर करके देने का प्रयास करूँ, अपने 5 साल में सभी को दे पाऊँ। लेकिन आज जब पता चला कि शंकर दत्त नैनवाल जी रिटायर हो रहे हैं तो बड़ा दुख का अनुभव हुआ, और
मन में नहीं था कि आज मैं कुछ यहाँ पैसा दे के जाऊँ, मैं साफ बताता हूँ, मंच पे से भी, और खाली राजनीतिक बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं 5 लाख रुपए तो दे चुका हूँ, अब अगली बार गुलमरा वाले स्कूल को भी दूंगा। लेकिन आज इनकी जो मांग, अगर ये 5 लाख भी मांगते तो मैं देता, तो चलो मेरे पे तरस खा के इन्होंने खाली 1,45,000 रुपये ही मांगे, तो मैं 1.5 लाख रुपये की घोषणा दोनों कामों के लिए इस मंच से करता हूँ। ये घोषणा मेरी नहीं है, ये मान के चलो कि ये घोषणा शंकर दत्त नैनवाल जी की है, और इन्होंने कहा भी है कि मैं जब भी आऊँ रेलिंग को भी देखूंगी, यहाँ रेलिंग हो गई है, और इनसे मैं अनुरोध भी करूँगा कि ये ना समझे कि मैं रिटायर हो गया हूँ, अभी भी बच्चों के लिए खाली टाइम में ये अपना सहयोग करते रहेंगे, और स्कूल को अपना जो भी इन्होंने आज तक 40 साल अपने दिए। चंद्रकला वो साथी क्लास 6 को आमंत्रित करूंगा कि डांस है काफले की बिंदुली चलो यार मजा आओ यार बल के है बना लो पर मिलते हैं नए चीज़ों के साथ, बने रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, नए ब्लॉग, नए वीडियो पे, नए चीज़ों के साथ बनते रहेंगे। ओके।